नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। हमारे ज्योतिष संस्थान की इस वीडियो में आपका एक बार और स्वागत है। हमने कुछ समय पहले कुछ नामों के ऊपर कुछ वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और आप लोगों के काफी कमेंट्स व आप लोगों के काफी मैसेज भी आते हैं। हमने अभिषेक, संजय, प्रिया, अजय और भी कुछ नामों पर हमने वीडियो बनाई थी जिन पर हमने ज्योतिष संस्था के द्वारा उनके बारे में कुछ जानकारी हमने दी थी। उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक देख सकते हैं और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो और बनाने जा रहे हैं। आज हम जिस नाम के बारे में बताएंगे वह नाम है मनीष। कि आज हम जानेंगे कि मनीष नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका उनके नाम का मीनिंग क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है, उनकी स्टडी कैसी होती है, वो लव लाइफ करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उनके फ्रेंड्स कैसे होते हैं, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो कैसा रहता है। आज हम मनीष नाम के करवन 12 उनसे रिलेटेड संबंधित जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले जो वीडियो बनाई थी, अगर आपको वह वीडियो पसंद आई है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में जो हम आज मनीष नाम की वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको इसमें लगता है कि कोई कमी है या आपको और जानकारी इसमें ऐड करवानी है तो आप हमें वह जानकारी बता सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप जो भी वीडियो देखते हैं, जैसे सपोज आप अगर अभिषेक नाम की वीडियो देख रहे हैं तो अभिषेक नाम के व्यक्ति ही उस वीडियो को देखें तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को ही पता है कि मेरा नेचर कैसा है व मेरे लाइफ में क्या क्या घटा है और क्या क्या घट रहा है। और कोई नाम का व्यक्ति देखता है और वो कहता है कि अभिषेक नाम का व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो ये पहली बात तो उसकी तरफ से ही गलत है, क्योंकि अभिषेक नाम का व्यक्ति नहीं देख रहा बल्कि दूसरा इंसान देख रहा है। उसको कुछ बात सही लगेंगी लेकिन अभिषेक नाम का व्यक्ति देखेगा उसे ही सही बात पता लगेगी कि इसमें क्या सही है और गलत। तो हम ट्राई करते हैं कि हम गलत आपको ना बताएं। दोस्तों, हमारी जो ज्योतिष संस्था है हमेशा से आपकी हेल्प करती आई है। अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो हम आपके शहर में एक लाइव परफॉर्मेंस भी करेंगे या हम YouTube पे या फिर हम Facebook पे एक लाइव परफॉर्मेंस करेंगे जहां पे आप अपने किसी भी प्रश्न का आप आंसर पा सकते हैं। आपको ऐसा लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कि आपको वही क्वेश्चंस पूछने हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप प्रेजेंट में भी क्या कर रहे हैं, मतलब मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बताना चाहूँगा आपको, लेकिन आप प्रेजेंट में अभी क्या स्थिति है आपकी और क्या आप वो कोई काम करने जा रहे हैं या आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं वो तक हम बता सकते हैं। आप अभी फिलहाल में आपकी क्या कंडीशन है, आप किस सिचुएशन में हैं, आपने अभी क्या पहना हुआ है, आप अभी क्या खा रहे हैं, ये भी ज्योतिष संस्थान के द्वारा पता लगा जा सकता है। तो आपके बहुत बहुत कुछ ज्योतिष के द्वारा पता लगा जा सकता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम नाम से संबंधित वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस नाम से हम जानेंगे वह है मनीष नाम का। कि आज हम जानेंगे कि मनीष नाम के व्यक्ति कैसे होते हैं। तो मनीष नाम के पहले सबसे पहले जानते हैं कि मनीष नाम के व्यक्ति का इनका मीनिंग क्या होता है। मनीष नाम के जो व्यक्ति होते हैं इनकी सिंह राशि होती है और सिंह राशि वाले बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। बहुत स्ट्रांग का मतलब ऐसा नहीं बहुत ताकतवर, स्ट्रांग का मतलब वह बहुत दिमाग से बहुत अच्छे होते हैं और उनका दिमाग भी काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। वो किसी भी काम को लेते हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। अगर उनके उनको मन करता है कि मेरे को ये काम करना चाहिए तो वो इस काम को करते हैं। अगर उनको कोई काम बोल रहा है, अगर उनको मन नहीं है कि नहीं भैया मेरे को, उसको मना नहीं करते हैं किसी काम को, लेकिन उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन जितना अच्छे तरीके से अगर उन्होंने ठान लिया है तो वो जिस काम को अपने तरीके से अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात, उनमें एक चीज़ और रहती है कि वह किसी भी काम को टालना उनके पे बहुत अच्छे से आता है। बहाने बनाना और झूठ बोलना ये बहुत अच्छे से आता है। जो भी मनीष नाम के व्यक्ति देख रहे हैं उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपको हमारी कोई बात गलत लग रही है तो उससे हम क्षमा चाहेंगे। हम आपको प्रयास करते हैं कि हम आपको वह सच्चाई बताएं जो है, और आपको कोई बात गलत लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर उनके नेचर की बात करें कि मनीष नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मनीष नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका नेचर बहुत बढ़िया होता है। सबसे हंसी मजाक करने वाले, सबसे घुल मिलने वाले, और उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल रहती है। वो किसी भी दुख में, अगर किसी भी टेंशन में है ना, तो भी उनके चेहरे पे एक अलग स्माइल रहती है। हमेशा हंसते खेलते रहते हैं और उनके फ्रेंड्स, उनके नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। उनके फ्रेंड्स ग्रुप काफ़ी अच्छे होते हैं,
बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कल्चर के हर सोसाइटी के उनके फ्रेंड्स रहते हैं। उन्हें फ्रेंड्स बनाना पसंद तो नहीं है लेकिन फ्रेंड्स बन जाते हैं और काफ़ी ग्रुप भी रहता है, लेकिन वो फ्रेंड्स के टच में ज़्यादा नहीं रहते हैं युवा स्थिति से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में, मतलब 25 उम्र के आगे बढ़ने के बाद में वो फ्रेंड्स से ज़्यादा टच में नहीं रहते, लेकिन उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा होता है। अगर उनके नेचर के बारे में और बात करें तो उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, वह सबसे गुल्ले मिलने वाले होते हैं। लोगों की हेल्प की बात करें तो लोगों की हेल्प करने में भी वह बहुत आगे रहते हैं, हेल्प करते हैं लेकिन करते हैं नॉर्मल तरीके से करते हैं, जितने अच्छे से करने चाहिए उतने अच्छे से नहीं करते हैं। और उनकी अगर स्वभाव की और बात करें तो वो दूसरे के प्रति एक अच्छा ही व्यवहार रखते हैं, किसी के लिए ज़्यादा गलत नहीं सोचते हैं, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। अगर वो कहीं आए हैं बैठे हैं ठीक है ओके फाइन मैं आया हूँ मेरी प्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व होना या किसी चीज़ में ज़्यादा घुसाना या अपनी ज़्यादा सलाह देना वह इनका काम नहीं रहता है, वो नॉर्मल तरीके से रहते हैं। इनके स्वभाव के बारे में और बात करें तो इनका स्वभाव अपने घर वालों के लिए या सभी के लिए बराबर एक ही रहता है। ये किसी में भी ज़्यादा नहीं दिखाते कि मैं इस व्यक्ति से ज़्यादा प्यार करता हूँ या इस व्यक्ति को ज़्यादा मानता हूँ, इस व्यक्ति को ज़्यादा मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सबको दिखाते हैं कि मैं बराबर मानता हूँ। हाँ, लेकिन उनका एक चीज़ देखी गई है कि इनके स्वभाव के बारे में बात करें, अगर ये आपसे मिलते हैं तो आपको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि ये आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं झूठ होती है क्योंकि वो सबके सामने इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अब हम उनकी स्टडी के बारे में बात करते हैं कि उनकी स्टडी पढ़ाई लिखाई उनकी कैसी रहेगी। अगर दोस्तों मेरे को थोड़ा पसीना आ रहा है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मैं बार बार पहुँच रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके इस गर्मी में भी। तो दोस्तों, हम स्टडी की बात करें तो उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी ठीक तो नहीं रहती है, वो पढ़ाई लिखाई में नॉर्मल रहते हैं, ना ज़्यादा लो रहते हैं ना ज़्यादा हाई रहते हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी ठीक ठाक जाती है और वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर भी नहीं पाते हैं, ट्वेल्थ करते हैं या लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने ग्रेजुएशन तक ही हमने पाया है कि मनीष नाम के जो व्यक्ति होते हैं ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन तक करते हैं, उनके दिमाग उनका अच्छा चलता है दूसरों के लिए, मतलब उनका दिमाग अच्छा चलता है। आप कोई भी उनसे कोई क्वेरी है या आप उनसे कोई आइडिया ले रहे हैं वो अच्छा आइडिया देते हैं और इस वजह से उनकी लोग हेल्प भी उनको लोग मानते भी हैं कि एक अच्छा आइडिया और एक समझदार पर्सन है। स्टडी उनकी ज़्यादा खास नहीं रहती है, नॉर्मल रहती है और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, ना हाई रहते हैं ना लो रहते हैं, मीडियम उनकी स्टडी रहती है। उनकी लव या अरेंज मैरिज की बात करें तो लव मैरिज में पहले बात करते हैं। लव मैरिज में देखा गया है कि मनीष नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, काफ़ी उनके काफ़ी लड़कियों से उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं और लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि वो गर्लफ्रेंड्स वगैरह बना रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी लड़कियों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, काफ़ी लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, काफ़ी लड़कियों से वादे भी करते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, बहुत कुछ कहते हैं, उनसे काफ़ी फिजिकल संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज अगर उनकी शादी की बात करें तो वो शादी अपनी फैमिली की पसंद से ही करना पसंद करते हैं, वो किसी ना किसी बहाना लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और वो अपनी फैमिली की पसंद से ही शादी करना पसंद करते हैं कि फैमिली जो राय दे रही है, फैमिली जो लड़की लेकर आ रही है वही ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है कि मजबूरी में लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज बना दिया जाता है। अगर उनके जॉब या बिजनेस की बात करें कि जॉब करेंगे या वो बिजनेस करेंगे, तो जॉब या बिजनेस की बात करें तो उनका जो ज़्यादातर देखा गया है वह जॉब के प्रति उनका ज़्यादा लगाव रहता है। वह जॉब पे मानते हैं कि जॉब में उनको एक सर्टिफिकेशन मतलब जॉब मिल जाएगी, एक उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी, इस वजह से उनका जॉब के प्रति थोड़ा सा लगाव रहता है। बिजनेस में वह करते हैं, कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं लेकिन बिजनेस में उनका ज़्यादा मन नहीं रहता जितना उनके जॉब के प्रति लगाव रहता है और वह जॉब में ज़्यादा देखे भी गए हैं। अगर उनके लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल उनकी बहुत अच्छी रहती है। लाइफ स्टाइल में कहने का मतलब अच्छी का मतलब कि वह अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। उनका पहना भी बात करें या उनके बोल चाल की बात करें, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि नेचर में कि उनका उनका बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा रहता है। मैं मतलब सबसे हंस खुस के बात करते हैं, अगर कोई भी उनसे बात कर रहा है तो किसी को बोरियत या किसी को ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं किसी अनजान पर्सन से या किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो मुझे नहीं बात करनी चाहिए। उनकी बोल चाल काफ़ी अच्छी होती है
और उनकी लाइफ स्टाइल की बात करें तो उनका पहनावा काफ़ी अच्छा होता है, और उनके पास पैसे हैं या गरीब हैं या अमीर हैं जैसा भी हैं, लेकिन उनका पहनावा उनका काफ़ी अच्छा रहता है। बन ढन के रहते हैं, एक फिटनेस के साथ में रहते हैं, और एक सुंदरता उनके चेहरे पर एक अलग ही दिखती है। और उनकी लाइफ स्टाइल की बात करें तो वह लोगों को दिखावे में ज़्यादा यकीन करते हैं कि उनके पास में भले से कुछ भी हो या ना हो, लेकिन दूसरों को शो करने में ज़्यादा यकीन करते हैं कि मेरे पास में बहुत कुछ है और मैं बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, या बहुत कुछ, मतलब उनका दिखावा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन लाइफ स्टाइल की और बात करें तो लाइफ स्टाइल में उनका उनके बचपन का जो समय रहता है नॉर्मल रहता है, इतना मतलब ठीक है, पैसे वाले भी होते हैं या गरीब होते हैं, लेकिन बचपन में उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिला होता है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जैसे नॉर्मल पर्सन ही जीता है, पैसे वाला हो तो भी नॉर्मल पर्सन ही जिएगा। लाइफ स्टाइल में इनके मनीष नाम के में, और इनकी जवानी होती है, जवानी में ये कुछ थोड़े से चेंज हो जाते हैं, अगर गलत संगत कुछ मिल जाती हैं तो हर तरह के शौक करने लग जाते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह या फिर बियर वगैरह होती है, इस तरह के शौक करने लग जाते हैं, या गलत संगति में भी आ जाते हैं, लेकिन उनको अगर फैमिली का सपोर्ट या बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते हैं तो वह अपने सही रास्ते पर भी आ जाते हैं। और इनके अगर बूढ़ेपन की बात करें ओल्ड पर्सन में, तो ओल्ड पर्सन में ये काफ़ी समझदार हो चुके हैं और अपने जीवन को एक मुकाम तक पहुंचा लेते हैं, जिससे कि ये अपने बुढ़ापे में एक कह सकते हैं कि अपना खुद का बुढ़ापे का एक सहारा बन सकते हैं। इनके फ्रेंड्स की बात करें तो इनके फ्रेंड्स काफ़ी रहते हैं, इनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा होता है और इनका ग्रुप भी काफ़ी अच्छा होता है। इनके फ्रेंड्स में हर तरह के फ्रेंड्स पाए जाते हैं, लो क्लास तक के लेके हाई क्लास तक के इनके फ्रेंड्स पाए जाएंगे। फ्रेंड्स के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, फ्रेंड्स को ज़्यादा मानते हैं, फ्रेंड्स को मानते हैं ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा लगाव रहता है इनका, फ्रेंड्स को दिखावे के लिए ज़्यादा ये रहते हैं कि हाँ मैं क्या हूँ और मैं कितना कुछ हूँ, मैं कितना कुछ ग्रो कर चुका हूँ, ये फ्रेंड्स के प्रति इनका ये लगाव ज़्यादा रहता है। और जितना मैंने आपको पहले बताया था कि इनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग रहता है, तो इस वजह से भी ये फ्रेंड्स के ज़्यादा टच में भी रहते हैं। अगर इनके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो पास्ट इनका जो बचपन का समय रहता है वो नॉर्मल बीतता है, जैसे सभी बच्चों का बीतता है, जैसे कि अमीर हैं गरीब हैं या कैसे भी हैं, लेकिन नॉर्मल बीतता है। पढ़ाई लिखाई अगर इनकी पास्ट में बात करें तो बचपन में इनकी पढ़ाई लिखाई भी नॉर्मल जाती है, इतनी हाई क्लास या इतनी हाई एजुकेशन इनको नहीं मिलती है, चाहे ये अमीर हों चाहे गरीब हों। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो पढ़ते तो हैं, लेकिन इनका इतना ध्यान नहीं रहता पढ़ाई लिखाई में, इनको ज़्यादा मौज मस्ती करना एंजॉयमेंट करना या अपने शौक पूरे करना, दूसरों को दिखावा करना, इस तरह में ज़्यादा ध्यान रहता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता है लेकिन उतना ध्यान नहीं रहता है, नॉर्मल ध्यान रहता है। और उनके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर उनका काफ़ी अच्छा जाता है, वो अपने लिए काफ़ी ग्रो कर लेते हैं, काफ़ी इनकम कर लेते हैं, या अपने परिवार के लिए काफ़ी ग्रो कर लेते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि मनीष नाम के व्यक्ति के बारे में, उनके मीनिंग, उनकी स्टडी, उनकी लव लाइफ या अरेंज मैरिज के बारे में, और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, जॉब या बिजनेस के बारे में जाना है, लाइफ स्टाइल के बारे में जाना है, फ्रेंड्स के बारे में जाना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जाना है। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह वीडियो लोगों के पास शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे जहां हमने नाम से संबंधित और भी वीडियो बना रखी हैं, अगर आपको वह भी पसंद आती है तो उन्हें भी आप लोगों के पास शेयर कीजिए। हमारा यही लक्ष्य है कि हम आपको वह जानकारी दें जो ज्योतिष वाकई में है। ज्योतिष से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन ज्योतिष जो दिखाई जाती है उतना नहीं है, ज्योतिष एक महासागर है, ज्योतिष से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको वह चीज़ें बताने के प्रयास करें जो आपको पता होना चाहिए। और आपको लगता है कि हमारी वीडियो में अगर कोई कमी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छी लगती है तो लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।